बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करने पहुंच गए। जी हां, लगभग 40 से 45 मिनट तक बंद कमरे में राज्यपाल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी की मुलाकात हुई है। बंद कमरे में ये जो मुलाकात हुई, अब इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो मुलाकात है वो नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की है और जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में जो अनबन चल रही है, महागठबंधन में जो अनबन चल रही है, उसको लेकर भी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन मुलाकात बंद कमरे में हुई। तकरीबन एक घंटे तक ये जो मुलाकात हुई है, अब इस मुलाकात के कई मायने। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बाहर निकल रहे थे तो इस दौरान हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए निकल गए। लेकिन आखिर ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के, इस मुलाकात की वजह क्या थी। क्योंकि नीतीश कुमार यूं ही कुछ ऐसे ही नहीं करते। अब कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एक औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे थे, नए साल में राज्यपाल को नए साल की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। नए साल में राज्यपाल से नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात है और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। इस दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने पहुँचे, उसके बाद सीधे वो वापस निकल कर सीधे राजभवन पहुँच गए। लंबी मुलाकात जो है, अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। तो वहीं सरकार में कुछ अनबन चल रही है, राजद और जदयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुलाकात हुई है। लेकिन हम आपको तस्वीरों के छारे छोड़े आते हैं कि देखिए किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर राजभवन से बाहर निकल कर अपने मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते निकल गए और उनकी इस मुस्कुराहट के मायने कहीं निकल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बिहार में क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से लंबी मुलाकात की है, तो क्या बिहार में कैबिनेट विस्तार होता है, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, या फिर बिहार की सरकार में कुछ बदलाव होता है। हालांकि आने वाले वक्त में पूरी तरह साफ हो जाएगा कि इस मुलाकात के क्या मायने थे, क्या मुद्दे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ा संशय का विषय है कि आखिर अचानक नीतीश कुमार सुबह सुबह राजभवन क्यों पहुंच गए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज कोई फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।